जय माता दी। की माता रानी का विदाई हो रहा है, तो हम पहने ये नीले कलर का सूट। तो आप लोग को बैंड बाजी के बाद सुनाई दे रही है। हम लोग अभी भी माता के विदाई से घर वापस आए ना, उसके बाद मम्मी को ना फीवर हो गया। ये देखो आप लोग, मम्मी से ना उठा ही नहीं जा रहा है। मम्मी देखो क्या है, व्हाइट कलर का कबूतर। वाह यार, दीदी यहाँ पे पूड़ियाँ मस्त फ्राई कर रही हैं। चल तू यहाँ टंग जा। वाह भाई वाह, क्या लग रहा है यार। हटो, पूजा की थाली है और दुपट्टे, ये डॉल देखो तुम कांप रही हैं। मम्मी तुम अंदर चली जाओ, माँ की विदाई होती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूट ना जाए। तो भाई आज है विजयदशमी, आप सभी को मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी दशहरा। और भाई आज का जो वेदर है ना, वो एकदम बादल बादल हो रखा है। और तो चलो चलते हैं, पहले नाश्ता वास्ता करते हैं, फिर चलते हैं दुर्गा पूजा देखने। आज नाश्ते में बना है गर्मा गर्म कचौड़ियाँ और मस्त मसालेदार सब्जी। यम 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 यम। हम लोगों ने नाश्ता वास्ता कर लिया है, और नाश्ता करने के बाद हम लोग जा रहे हैं ना अभी जहाँ पे हम लोग कल गए थे। अभी कल के ब्लॉग में आप लोग देखे होंगे मेरे कॉलोनी में जो पंडाल लगा है, वहां पे जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर जाकर हम लोग को शूट करना है, माता रानी के साथ कुछ वीडियो बनानी है। और उसके लिए हम तो रेडी हो चुके हैं, हम सुबह से रेडी हैं आज, लेकिन सभी रेडी हो रही हैं यहाँ पे अभी। हाय गाइस, आप सभी को हैप्पी दशहरा मेरी तरफ से, दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस इतना ही कहेंगे, आगे चलते हैं। चलो उसको रेडी होने देते हैं और चलते हैं, देखते हैं मम्मी क्या कर रही हैं। हम लोग जा रहे हैं अभी वहाँ पे माता के पंडाल में, वीडियो बनाना है, तो उसके लिए कुछ सामान हम लोग रख लिए हैं। ये देखो यहाँ पे पूजा की थाली है और दुपट्टे, ये डॉल, और भी कुछ अभी रखना है, इसको भी ढूंढ ढूंढ के रखते हैं हम लोग। तो गाइस पता है एक बैड न्यूज है, हम लोग जो जा रहे थे वीडियो बनाने ना पंडाल में, सुनने में आ रहा है कि माता रानी विसर्जन हो रही है। अभी चल रहे हैं, देख रहे हैं वहाँ पे क्या होता है। माँ की विदाई होती है क्या? मैं माँ की विदाई होती है दशहरा के दिन, और हम लोग इतने मन से जा रहे थे वीडियो बनाने, देखो क्या होता है वहाँ पे। वैसे दशहरा के दिन विदाई तो नहीं होती है, दशहरा के दूसरे दिन होती है विदाई, विसर्जन वाले दिन होती है यहाँ बढ़िया घाट में। चलो चलते हैं देखते हैं। पंडाल में आ चुके हैं, ये देखो आप लोग, यहाँ पे माता रानी का विसर्जन होने वाला है, मतलब विदाई होने वाली है। तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट नहीं बना पाएंगे क्योंकि माता रानी का विदाई हो रहा है। तो चलते हैं मम्मी घर पे। हम लोग अभी भी माता के विदाई से घर वापस आए ना, उसके बाद मम्मी को ना फीवर हो गया। ये देखो आप लोग, मम्मी से ना उठा ही नहीं जा रहा है। मम्मी बहुत तेज फीवर है। हाँ भैया बहुत तेज है, सुनो हमको चाय बना दो बाबूलाल। चाय और फिर दवा चाहिए कुछ? दवा पापा से मंगा दो कहके, अब हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, इतना चक्कर बहुत आ रहा मुझे। और अचानक देखे अच्छे से गए हैं अभी, अचानक हो गया, क्या ना बोले, कुछ नहीं बोल पा। ठीक है मम्मी तुम रेस्ट करो, ठीक है उनको चाय दे दो, उनको आराम हो जाए। तो आई मंगा रहे पापा से, दवा मंगा दो, मंगा रहे। सो गाइस मम्मी को दशहरा के दिन फीवर हो गया, अच्छा नहीं लग रहा है अभी कुछ भी नहीं। पहले इनको चाय दे देते हैं, दवा दे देते हैं, तुम रेस्ट करो। और यहाँ पे ये समी चाय बना रही है मम्मी के लिए। मम्मी बीमार हो गई यार दशहरे पे, हम सोच रहे थे कि मम्मी की तबियत खराब हो जाएगी, एक हमको लग रहा है नजर लग गई है। वही अभी बाहर गई थी ना। सो गाइस आप लोग को बैंड बाजे की आवाज़ सुनाई दे रही है, माता की ना विदाई होने वाली है, तो हल्की की आवाज आ रही है। अभी जब माता की विदाई होगी ना, वहाँ पर को दिखाएंगे। यहाँ पर सभी सेब काट रही है मम्मी को देने के लिए। हाँ मम्मी और हम दोनों लोग खाएंगे। हम दोनों लोग, तुम जरूरी हो? हाँ यार खाओ यार, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, खाओ 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 फटाफट से। चाय बन गई, दोगी नहीं हमें, अपना ही बोलोगी। मैं क्या बोल रहे थे कि मतलब खाना बहुत पसंद है ना हमें, तो हम सेब भी खाएंगे, चाय भी पियेंगे कुछ टाइम बाद। और सुनो चाय हमको भी दे देना, ठीक है? तो भैया जब तक मेरी चाय बन रही है ना, तब तक हम पानी भर लेते हैं, क्योंकि पानी हम नहीं पीते हैं, हम चाय भर जाते हैं, पानी पीना मुझे याद नहीं रहता है। तो पहले हम अपना पानी भर लेते हैं, क्योंकि अगर पानी नहीं पियेंगे ना तो बॉडी डिटॉक्स नहीं रह पाएगी। गाइस देख रहे हो मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, लेकिन उनको माता रानी की विदाई देखने के लिए आ गई है। देखो तुम कांप रही है। मम्मी तुम अंदर चली जाओ, अच्छा लगा हम देखेंगे। मम्मी नहीं सुनेंगी जब तक माता को देख नहीं लेंगी। ये देखो क्या है, व्हाइट कलर का कबूतर। वाह यार कितना ब्यूटीफुल लग रहा है भाई कबूतर। कबूतर तो चला गया है व्हाइट कलर का, और आज दशहरे के मौके पे तो हम पहने ये नीले कलर का सूट। तो मान्यता होती है कि दशहरे पे नीलकंठ का दर्शन करना चाहिए, तो आप लोग भी नीलकंठ का दर्शन करना, फोन में है या तो रियल में दिख गया तो बहुत अच्छी बात है। सो गाइज आज है ना विजयादशमी, और ऐसा बोलते हैं कि विजयादशमी के दिन नीलकंठ का दर्शन करना चाहिए। तो भैया आप लोग भी नीलकंठ का दर्शन कर लो, अगर खुद से दिख जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं दिखे ना कोई ना, गूगल पे सर्च करो नीलकंठ और फटाफट जाके दर्शन कर लो आप लोग। और उससे पहले गाइज ये देखो, आज सुबह ना हम लोग यहाँ पे पॉट में ना प्लांट लगाए थे, मनी प्लांट।
तो सारे हुक वाले प्लांट। अरे पिछले ब्लॉग में आप लोग देखे होंगे ना कि हम आप इसमें सारा होल किए थे। हाँ आज हम लोग सुबह इसमें मिट्टी डाले हैं और ये प्लांट मनी प्लांट लगाए। अब इसको हम लोग जाके सीधे सीधे अपने ग्रिल में ऐसे मिक्स करते हैं। चल तू यहाँ टंग जा। वाह भाई वाह, ये लगा तीसरा फुल्ली फुल कंप्लीट। ये वैसे अंदर कौन सो रहा है? ग्रीन। अच्छा अंदर पप्पा जी सो रहे हैं। इस दो खिड़की ऐसी थी ना जो हमको बोल रही थी तुम मुझे अकेला क्यों छोड़ रही हो, मुझे भी लगाओ प्लांट लगाओ प्लांट। हम बोले रुक जा, जितने करते तेरे को भी मिलेगी प्लांट। लो लगा दो भैया, ये बड़ा जिद कर रही थी। ग्रीन एंड ब्लू। तो गाइस माता रानी विसर्जन हो रही है तो अभी ना वो मेरे गेट से जाए, मूर्ति उनकी जाने वाली है, मतलब पीछे साइड पंडाल लगा था तो गेट से जाएगी। हम आप लोग को दिखाने वाले हैं, ये भी देखने के लिए खड़ी है। नीचे से ना माता रानी हम लोग को अच्छे से नहीं दिखती, इसे हम लोग ना छत पर आ गए ताकि अच्छे से माता रानी का दर्शन कर पाए। हाँ। और चलो आप लोग को भी अच्छे दर्शन करा देते हैं। वो देखो गाइस दिख रहा है आप लोग को, ये देखो ये जो है ना क्या बोलते हैं इसको, पिकअप। हम लोग यहाँ पिकअप बोलते हैं। और इसमें माता रानी देख रहे हो आप लोग, पूरा जो अंकल लोग हैं उसे बैठा दिए हैं। हाँ अच्छे से विदाई हो रही माँ की। अभी ये बहुत दूर है, अभी पास आएंगे तो आप लोगों को दिखाते हैं। तो गाड़ी स्टार्ट हो गई है, देख लो आप लोग माता रानी जा रही है। ये देखो आप की विदाई हो चुकी है, लेकिन मेरे जो लोकल प्लेस में बाकी माता रानी है ना, मतलब बाकी दुर्गा जो पंडाल लगा है वहां पे अभी दुर्गा माँ है। तो हम सब लोग जा रहे हैं दर्शन करने माता के, आशीर्वाद देने, क्योंकि अब माँ जो आएंगी ना वो अगले साल आएंगी। उससे अच्छा भैया पहले चलो अभी आशीर्वाद दे, दुर्गा पूजा देखेंगे ना। हाँ दुर्गा पूजा देखने जा रहे हैं। और उससे पहले एक बार बता दें, मम्मी की तबियत भी मम्मी की तबियत भी मेरी थोड़ी सही हो चुकी है, पूरी नहीं हुई है लेकिन थोड़ी सही हो चुकी है। और एक चीज और देखो आप लोग, ये देखो ये आई है दशहरे की मिठाइयाँ। लो भाई आप लोग भी मुंह मीठा कर लो फटाफट से, वंडर गर्ल्स की तरफ से आप सभी लोगों को मिठाइयाँ भेजी जा रही हैं। लो फटाफट से खा लो। चलो पहले भगवान को प्रसाद चढ़ा दें, पहले भगवान को खिलाएंगे फिर हम लोग खाएंगे। हाँ हम ये प्रसाद लेकर आ गए हैं मंदिर में, और मंदिर में सबसे पहले हम भोग लगाएंगे कान्हा जी को, और बाकी सब भगवान को भी हम लोग भोग लगाते हैं। मम्मी तो तबियत कैसी है अभी? तबियत कैसी है? फिर मम्मी जब आपकी तबीयत नहीं सही है ना तो हम लोग दुर्गा पूजा में नहीं जाते हैं ना, खाना खा लेते हैं। और तुम रेस्ट करो, सही जाओगी ठीक है। तो चलो भाई मेरी मम्मी की तबीयत नहीं सही है इसलिए अब हम लोग दुर्गा पूजा में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अभी हमको खाना बनाना है। और मम्मी की तबीयत नहीं सही है ना तो फिर ऐसे आप कहीं जाओ मेला में कहीं पे भी तो वहाँ मन नहीं लगेगा, इसलिए मेला में जाना कैंसिल, नेक्स्ट ईयर जाएंगे। और अभी चलो फटाफट से खाना बनाते हैं। मम्मी की तबीयत थोड़ी खराब है तो उनको रिलैक्स फील हो रहे समी, तो उनको ऐसे रिलैक्स फील हो ना इससे थोड़ा चाय बनाए उनके लिए, मस्त कड़क चाय बनाए। और चलो मम्मी को दे देते हैं, इससे उनको थोड़ा बेटर फील होगा। और आपको दिखा दें यहाँ पे देखो मेरी बहन वापस से आ गई मेरी हेल्प करने, कितनी क्यूट मेरी बहन है, ये रोज के रोज मेरी हेल्प करती है। जोरी बोलू मैं, थैंक यू नोबिता। चलो कोई नहीं थैंक यू, चलो अपना काम करते रहो तुम। हाँ अभी आ रहे हैं चाय, चलो चाय मम्मी के पास, चलो 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 चाय आ गई, चाय गर्मा गर्म चाय 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 चाय। मम्मी चाय ले लो। मम्मी तो तबियत कैसी है अभी? हाँ हाँ बहुत कड़क चाय बना है, अदरक है सब है, अदरक है इलायची है चीनी है दूध है, मस्त पकी हुई है। मम्मी तो तबियत कैसी है अभी? अभी तो कम लग रहा है। रेस्ट करो सही हो जाओगी ठीक है, तुम रेस्ट करो हम लोग खाना बना रहे अभी। मम्मी को चाय वाय तो दे दिया है और अभी हमको खाना बनाना है, तो चलो देखते हैं किचन में हमको बनाना क्या है। सॉरी किचन में तो खड़े हैं, बोल रहे देखो किचन में क्या बनाना है। तो यहाँ पर ना हम आटा लगा रहे हैं अभी, और यहाँ पर पनीर पड़ा है तो पनीर की सब्जी बना लेते हैं। और यहाँ पर उसकी तैयारियां वैरियां शुरू हो चुकी हैं, जो कि ये कर रही है समी कर रही है। वैसे हम लोग का प्लान था कि हम लोग चलेंगे दुर्गा पंडाल घूमेंगे, दुर्गा पूजा देखेंगे, और दशहरे का मेला जो लगता है मिर्जापुर में मेला लगता है दशहरे का, तो हम लोग उसको विजिट करेंगे। पर कुछ नहीं हो पाया क्योंकि मम्मी की तबीयत खराब थी, तो हम लोग का वैसे भी मन नहीं हुआ जाने का क्योंकि मम्मी की तबीयत खराब थी। तो हम लोग सोचा चलो क्यों ना अभी हम लोग घर में सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए हम लोग घर में ही अच्छे से बना रहे अच्छे से खा रहे उससे सेलिब्रेट करेंगे। हाँ सही बोल रहे हो गाइस। आप लोग को इसी बीच एक चीज दिखाएं, चलो दिखाते हैं। ये देखो भाई ये जो है इतना बड़ा तेज पत्ता है ये, रुको मैं आपको सही से दिखाती हूँ उसको। ये देखो ये तेज पत्ता ना आप लोगों को कैमरे में बड़े छोटा लग रहा दीदी, ये देखो कितना बड़ा है ना, तेज पत्ते का पूरा खानदान है। बहुत बड़ा ये तेज पत्ता है यार, मस्त है ये, बहुत बड़ा तेज पत्ता। आज तक हम ऐसा तेज पत्ता नहीं देखे, तेज पत्ते की हाइट तो लग रहा है मेरे मुंह से भी बड़ी है।
तो गाइस 2 घंटे की मेहनत मशक्कत के बाद हम लोगों ने यहाँ पे डिनर बना करके तैयार कर दिया है। और आज के डिनर में बना ही आपको पता ही है, ये मम्मी मस्त अपनी बेटियों के हाथ से बना हुआ डिनर इंजॉय कर रही है। यहाँ पे मस्त ये पनीर की सब्जी राइस पूरी बन के तैयार है और मम्मी अपनी बेटियों की सेवा का आनंद ले रही है। हाँ मम्मी, अच्छा बनाया, कैसा बनाया? बहुत अच्छा। कैसा बना तुम बताओ? अच्छा है, चलो अच्छा है। और यहाँ पे पापा भी खा रहे हैं मम्मी के साथ, डिनर का एंजॉय कर रहे हैं। कैसा बना पापा खाना आज का? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। दीदी यहाँ पे पूड़ियाँ मस्त फ्राई कर रही हैं और अब हम लोग पे चलते हैं, फटाफट से खाना का एंजॉय करते हैं। अभी खाना पीना तो चलता रहेगा और इसी के साथ आज का ब्लॉग भी एंड करते हैं। पसंद आया तो लाइक करो और बताओ आप लोग को दशहरा का ब्लॉग कैसा लगा। सो गाइस मिलेंगे तब से नेक्स्ट ब्लॉग में, कल के ब्लॉग में। तब तक मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय 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 गाइस।